देने पर थाने चलिए, ऐसे मानेगा नहीं। लो लो लो, ऐसा है पैसे दे रहे हो, कोई एहसान नहीं कर रहे हो, बदतमीजी कर रहे हो मेरे साथ। इसी के साथ इसी को दे, इसी से करिए तुम्हें बदतमीजी। छोड़ नहीं रहे अभी तो ना, मैं ये करूँ गिर ना जानी। अरे ऐसे कैसे गिर जाएंगे हम, पैसे चल भाग यहाँ से। अब तुमसे ज्यादा वजन है मेरे अंदर। हाँ, भाग यहाँ से चल। ताऊ मैं अब यहाँ से बिल्कुल ही जा रहा हूँ, गांव में छोड़ के जा रहा हूँ। अरे तू संसार छोड़ दे, हमें अबसे क्या करना, हमें 1 लाख रुपए मिल के चले जाए यहाँ से। चल भाग यहाँ से, भी जा रहा हूँ। हाँ जा। और सुनो, हाँ पैसा मैंने दे दे। हाँ ठीक। हाँ वीडियो या तो उड़ाओ या फिर मुझे दूँ। भर भर के बहुत वीडियो दे दो इसे। ए, पागल हो गया। सुन बा उड़ाओ, उड़ जाएगी जा। सुनो भैया, उड़ जाएगी। अब जब तुम गांव छोड़ के तो जा ही रहे हो है ना, तो दूध का काम बंद कर दिया। बिल्कुल बंद कर, बंद कर दिया। तो इस कटिया को ये दूध जो मुझे दे जाओ। दे जाऊं दूध? जा गन्ना रखूंगा। अच्छा बीड़ी डाल, बीड़ी डाल इसकी। बा उड़ा दो दूध, दूध ले गया नहीं तो बीड़ी डाल लूंगा। ले 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 इसको दूध ले। अच्छा चल यहां से रफा दफा हो। ये कटिया मुझे ही दे जाओ। हां रख ले तू, रख ले रख ले रख ले। उड़ाओ। अरे मैं उड़ा दूंगा जब मैंने कह दी। अब जितना कह रहा हूं उतना जा यहां से, चला गया यहां से, जा यहां से चल। आ मच्छी इधर को। ऐसा मन कर रहा है ये सारे पैसे तेरे ऊपर यो नौछावर करके तुझे दे। पर क्या करूं? मेरे तो है ये। अरे जब मैंने दे तो दिए तुझे, मैंने हाथ में तो नहीं लिए पैसे। सुन ये दूध आ गया, और मुझे मुझे नहीं पता था तू इतनी तेज निकलेगी, इतनी तर्रार निकलेगी कि सामने वाले को कच्चा चबाने की कोशिश करेगी। देख लो। पर क्या करे, संगत का तो मेरी का असर है तुझ पे। भाई मेरे साथ रह रही है, नेगात बुद्धि तो मेरी ऐसी लीचड़पनी की आएगी तुझमें। कमीनापन आएगा थोड़ा बहुत, तो कमीनी के साथ रह गए। मैं कमीनी नहीं हूँ तुम्हारे साथ रह के, कमीनी मुझे बता रहे हो ठीक है ना। अरे तो मैं तो हूँ। पहली बात तो असर तो आ रहा है, मैं पैदाइशी तेज हूँ। पैदाइशी तेज? हाँ। चल तू है तो सही, कुछ भी सही, पर है ठीक है। अब सुन ये दूध आ गया, खीर बना। मेरी बात सुनो। हाँ? अब दूध फूट तो आ गया, अभी इन पैसों से ना मैं गहने बनवाऊंगी अपने लिए। बनवा ले 50,000 के गहने, बनवा ले 50,000, संभाल के रख दे, आगे भविष्य में काम आएंगे। ये बात आप बिल्कुल ठीक कह रहे हो। ठीक है जा। और देख सुन, शाम को बनाइयो कोफ्ते की सब्जी, कोफ्ते और रायता, लौकी के कोफ्ते और रायता चलन दे आज, और रोटी के संग जा मक्खन लगा के तैयार रखियो। खीर भी बना लेती हूँ। हाँ तेरा मन है, जा खीर बना, पूड़ी बना, रसगुल्ले बना, सफेद कुछ भी बना। मैं तो आज पैसा पटा के मानूंगी, हद कर गई ताऊ ने। भैया राम 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 राम। भैया क्या बात नहीं हो गई, ये लोटा ताऊ से तो बड़ी परेशान हूँ। पैसे लिए हैं उस दिन से शकल नहीं दिखाई। अब ना दिखा रहा हो? अच्छा हाँ। तुम कैसे परेशान? पैसा अब मिल नहीं ना। अच्छा परेशान जे हूँ, क्योंकि मैं तो जा रहा हूँ गाँव छोड़ के। क्यों भैया गाँव छोड़ के? बेच दी मैंने। क्यों भैया बेच दी? अच्छा हम मुझे गाँव में रहना ही ना। क्यों भैया? जा गाँव में रहने को बेकार है। अच्छा हाँ ऐसे, और तुम्हें पैसा तो मिलने ना, तुम जाओ अपना काम करो, अपना मिल लो। सही बताओ सही, देख लो नहीं जाए पैसा तो मेरा भी नाम भैया काम ही नहीं ना है, बाको हलक में से निकाल लूंगी। अरे ना होगा कछु, हम कछु कह रहे हैं। तुम कछु ना कर पाए तो जाको मतलब जे थोड़ी ना है कि हम भी कछु ना कर पाएंगे। पर जे तुम औरत हो, मैं आदमी हूँ, हो सके तुम कछु कर लो। हाँ जाओ ले आओ, हम तो नाक में तीर डाल देंगे। अरे बहू, अरे सोनिया। हाँ बोलिए। मैं ये कह रहा था वो एक कलसी पानी बदला। तो पानी वानी मैं बाद में लाऊंगी, चलो पहले गहने बनवाते हैं। गहने बनवाने तो चलेंगे, पहले एहसास देंगे। अभी मैंने बादाम का हलवा खा लिया, तो उसकी वजह से जी ऊपर को आ रहा है गर्मी की वजह से। बादाम का हलवा कहाँ खा लिया तुमने? बादाम का हलवा बराबर में बनाया था मैं, उसके यहाँ से खाया है। उसने बुला लिया, बात दे ली थी, ताऊ आया खाना खाया। तो वो खुशबू आ गई होगी ना? नहीं मुझे खुशबू नहीं आई, बस उसने बुला लिया तो मैं चला गया। अब तू ऐसा कर पानी पिला दे, देख पसीने की मारे हालत खराब हो रही है। चलो ठीक है मैं कल सी। हाँ मुझे कल सी ला के दे दो। राम चल अभी ला रहा हूँ, रुक जा यही रही हो। ठीक है ठीक है ये कल सी। और सुन कोई पूछे ना मेरे बारे में लोटा राम ताऊ है कि नहीं घर पे, तो ये कह रही हो कि घर पे नहीं है, गोवर्धन की परिक्रमा देने गए हैं। भगवान कृष्ण का ध्यान हो गया उन्हें, बड़ी भक्ति लग गई है ना, गोवर्धन की परिक्रमा देने गए जो भी मिले। ठीक है अब चलने पानी पिया, जल्दी आइयो। ठीक है दीदी। नमस्ते। नमस्ते नमस्ते, कहाँ जा रही हो भाई? दीदी मैं पानी भरने जा रही थी। पानी भरने जा रही हो? वो तुम्हारे लपका ससुर जी कहाँ है?
दीदी वो तो गोवर्धन के परिक्रमा लगाने गए, उन्हें श्री कृष्ण भगवान का ध्यान हो गया। अच्छा, चोर डकैत नाकारे निकम्मे कब से परिक्रमा लगाने लग गए भैया, कब से तीर्थ यात्रा पे जाने लग गए? अब दीदी देखो, ऐसे लोगों को तो नरक में भी जगह ना मिलती है, वो तो स्वर्ग में जाने की बात कर रहे हैं। दीदी ऐसे मत कहो, देखो आपके पैसे हैं, पैसे के तरीके से लो, लेकिन इतनी बेइज्जती। अब तुझे भी पता चल गई ना कि पैसे हैं मेरे, पता तो चल गई है ना? तो अब ये पैसे जब तक थे 2000 बताए मैंने, अब ब्याज लग के 4000 हो गए। ऐसे कैसे 4000? ऐसे इसलिए हो गए कि 10 दिन की क्या के आज 5 महीने हो गए। अच्छा हाँ, तो अब तेरा ससुर कहाँ है, घर पे है, कहाँ है, सच बता दे। मैंने बता दी तो दी कि वो गोवर्धन के परिक्रमा लगाने गए हैं, अब वो इतनी जल्दी नहीं लौटेंगे। अच्छा हाँ हाँ, तो मैं एक बार। अच्छा बहू भी ऐसी कर रही, चल वो भी परफेक्ट है गई है, बाबू भी नहीं दिख रही कि वो कहाँ और ससुर कहाँ। मुझे लगा जाके ससुर से ही नैन मटक का चल रहे दिखे, आज जाइए देखूँ। कुछ भी सही, किताब बड़ी जोर की है, चोरी करने के नए नए तरीके हैं इसमें की बहुत अच्छे अच्छे। आप बैंक में डाका कैसे डाले? तू बेटा तू कैसे आ? तू कैसे वैसे मुझे देख के तुम शॉर्ट हो गए है ना? शॉक ऐसे क्यों बेटा, शॉर्ट करंट थोड़ी लगा है। करंट लगेगा अब तुम्हें। एक बात बता बेटा, तू बिना खांसी बिना आवाज ये घर पे कैसे आ गई? घर पे ऐसे आ गई खांसने के लिए, मैं तुम्हारा ससुर नहीं हूँ। अच्छा वो बात सही है, बल्कि तुम्हारी बहू खुद तुम्हारे सामने मुंह उगार के घूमने, और तुम्हारी बहू कह रही गोवर्धन की परिक्रमा लगाने। गोवर्धन की परिक्रमा तुम लगाओगे? ना ना बेटा, गोवर्धन की परिक्रमा नहीं गई होगी, उसने ये कही होगी गोबर उठाने गई है। कितना झूठ तो है ना? एक मिनट, झूठ तो तुम लोगों की नस 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 में भर रहा है। ना ना बेटा ऐसी बात नहीं, ऐसी ही बात है। ना ना अभी तुम पैसे दो ताऊ जी, बहुत दिन हो गए। कौन से अभी बताऊ? मुझे नहीं पता बेटा, ध्यान ही नहीं आ रही। ताऊ अब तो तुम वो पैसा दो। कौन से पैसे? कोई से पैसे नहीं है, एक बार और कह दो। कोई ना, से मुझे ध्यान कोई से नहीं है ना। मुझे एक मिनट लगेगी, अब तुम्हें चक्की पिसवा दूंगी जेल में। अब तुम्हारे घर पे भी कोई ना। ये क्या कर रही है? अब ये कर रही हूँ, अभी आवाज लगाऊंगी, कपड़ा भाग के थाने जाऊंगी और तेरे पीछे ऐसी चेतन लगवाऊंगी। मेरी बात तो सुन, पैसा देगा अभी? अभी जस्ट अभी अभी बिल्कुल अभी पूरे दे दूंगा, पूरे अभी अभी दे रहा हूँ, अभी चाहिए पूरे। कितने दोगे? 5000 रुपए लाओ। ला रहा हूँ ला रहा, अभी जस्ट छोड़ दो, जल्दी लेके आओ। बेटा आज तक चूतियन से पल्लो पड़ा होगा, पैसा कहाँ है? मेरी बात तो सुन, पैसे दिए तो ला, सुन पैसा दो, पैसा अब भैंस लेने जा रहा, भैंस लेने जा रहा। सुनाई ना दे रही। अच्छा पैसे, एक बात तो बेटा मानूंगा। हाँ दो बताओ। जिंदगी में आज तक मुझसे कोई पैसे नहीं पटा पाया, लेकिन तू मुझसे भी खजाना पूरी निकली, खतरनाक। चलो चटको हम जा रहे हैं। वाह मान गया, ये तो मेरी भी गुरु निकली, मेरे से पैसे ले गई। मैं तो कुछ ना कर सकती। अरे बाबा, अरे बाबा, राधे 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 राधे। बाबा बढ़िया हो बाबा जी? हाँ बेटा सब राधे राधे की कृपा है। आप कहाँ से आए हैं? अरे बेटे मैं इधर ही घूमते घामते तुम्हारे शहर में आ गया और बाबा के दर्शन करने जाऊंगा। अच्छा अच्छा बाबा जी। हाँ बाबा जी, वैसे आप कहाँ जा रहे हैं? अरे मैं इधर ही, अब मेरा काम क्या है बेटे के घर घर भिक्षा मांगना घूमना। हाँ बस जी। बाबा जी हम तो तुम्हें रास्ते में मिले नहीं, कुछ भिक्षा भी दे देते अपने। कोई बात नहीं बेटी, ऐसी कोई बात नहीं, सब तुम्हारा ही है। हाँ। राधे राधे का है। हाँ, तो मैं ये सोच रहा था इस गली में चला जाऊं। बाबा इस गली में मत जाओ। क्यों बेटी? आप बहुत ही नेक और सही इंसान हो। हाँ तो बाबा इस गली में बहुत चोर डकैत है, चोर डकैत बहुत नीयत खराब लोग हैं। अच्छा हाँ, तो मैं बाबा जो मंगी मंगाई भिक्षा वो छीन लेंगे। अच्छा अच्छा अच्छा, बहुत बेकार लोग हैं। चलो बेटी तो कोई बात नहीं, मत जाओ बाबा, मेरी बात मान लो। चलो तो मैं ठीक है दूसरी गली में चल जाऊंगा। ठीक है बाबा, राम राम। मैं तो तुम्हें अपने के नाते कह रही हूँ, क्योंकि तुम बहुत सीधे सही से बाबा लग रहे हो, बहुत बेकार लोग हैं जा गली। अरे बेटे मुझ पे क्या है जो मेरा कोई चुराएगा?
मैं खुद एक मांगने खाने वाला, आज की पता नहीं कल की पता नहीं। तो बेटी ऐसी कोई भी बात नहीं है, जो मुझसे कोई चोरी करके क्या ले जाएगा ये बताओ। बाबा मर्जी तुम्हारी, हमारा तो तुम्हें सावधान करने का। वैसे तुम्हारा काम ठीक है मगर कोई बात नहीं। सही बात है। राधे 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 बोल।